महाराज सिंह पार्क में श्री सीताराम सुंदरकांड सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही श्री राम कथा के छठे दिन भगवान राम के वन गमन की चर्चा की गई। कथा व्यास अलका द्विवेदी ने बताया कि प्रभु राम जी का वन गमन बहुत भक्तों के हृदय को व्यथित कर देता है, किंतु यदि राम वन गमन नहीं होता तो इस समाज को जीवन जीने के मार्ग का ज्ञान ही नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से भगवान का वन गमन अत्यंत कष्टकारी है, परंतु परमार्थिक रूप से यह वन गमन लोक मंगलकारी है। राम के वन गमन से ही समाज में व्याप्त बुराइयों और अवगुणों को नष्ट करने की यात्रा का आरंभ हुआ। राम राज्य की परिकल्पना करने वाले राजा दशरथ यदि राम को केवल अयोध्या के सिंहासन तक सीमित कर देते तो रावण जैसे मोह रूपी दुर्दांत दानव का नाश कैसे होता। इसलिए राम वन गमन की इस करुणामय कथा में ज्ञान के यह बिंदु व जन जागृति कराने वाले तथ्यों को सुनकर पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण भाव विभोर हो उठे। कथा में आयोजक संतोष मिश्र, शिव कुमार पांडे, राजेंद्र द्विवेदी, आशु शुक्ला, राजीव गुप्ता, मुरारीलाल पाठक, जयशंकर मिश्र व चंतल शुक्ल उपस्थित रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अरे मैं आपको याद रखूं ना रखूं, लेकिन ये मुद्रिका अगर आपने आज रख ली तो प्रभु जब जब आप ये मुद्रिका देखेंगे तब तब आपको इस केवट की याद आएगी, इसलिए आज ये मुद्रिका मैं नहीं ले सकता। जीव भले परमात्मा को भूल जाए लेकिन परमात्मा जिसकी याद रखे उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कुछ नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया, केवट ने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु